तो आज की इस वीडियो में हम रेटिंग देंगे क्रॉन जूल की ऑल मैचेस को। चलिए चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। पहली मैच जेडी मैकडोनर वर्सेस सेबी जेन के बीच में देखने को मिली। इस मैच को 5 में से 3 स्टार। सेकेंड मैच में मुझे ज़्यादा उम्मीद थी सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर की मैच में, बट इस तरह का वो डिलीवर नहीं कर सके, तो इस मैच को मैं 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। नेक्स्ट मैच फेटल 5-वे मैच था, इस मैच को मैं 3 स्टार दूंगा। उसके बाद हमको बेस्ट मैच देखने को मिला क्रॉन जॉन सीना वैसे सोलो सिकोवा के बीच में। ये बेहतरीन मैच था पूरे क्रॉन जूल का। इस मैच को 5 में से 4 स्टार दूंगा मैं। जॉन सीना को क्या डोमिनेट किया भाई सोलो सिकोवा ने इस मैच में। 15 समोवन स्पाइक लगा के इस मैच को जीता सोलो सिकोवा ने। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल का। ये मैच क्रॉन जूल का 5 स्टार रेटिंग मैच। इस मैच में हमको नया चैंपियन देखने को मिला लोगन पॉल। मैं तुमको बताता हूँ ये मैच जाके तुम देखो, तुमको ये 5 स्टार रेटिंग फीलिंग देगा। उसके बाद ये मैच होता है ब्लैंका ब्लेयर और इसोकाई के बीच में, वो मैच इतना खास नहीं था। उसके बाद डेमन प्रीस्ट और कोडी रोड्स की मैच की, तो इस मैच में कोडी रोड्स को WWE वालों ने महान दिखाया है। कोडी रोड्स को 5-6 फिनिशर भी पड़ जाए तब भी वो किकआउट करेगा, वो नहीं हराएगा, ऐसा WWE वालों ने कोडी रोड्स को बनाया है। क्वालिटी की बात करूँ तो इस मैच को मैं 2.5 स्टार दूंगा। अब बात करते हैं क्रॉन जूल की मेन इवेंट की, रोमन रेंज वर्सेस एल ए नाइट का मैच। इस मैच में मुझे बहुत सी एक्सपेक्टेशन थी, नो डाउट मैच की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इस मैच को मैं 4 स्टार दूंगा, बट किसी का भी रिटर्न नहीं हुआ है। रिटर्न वाला कैरी जेन का रिटर्न हो चुका है क्रॉन जूल में। आपको कौन सा 5 स्टार रेटिंग मैच लगा जरूर कमेंट करना। मैं तो मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।